जनपद के चौरी चौरा में स्थित शहीद स्मारक को प्रदेश की योगी सरकार भव्य रूप देने की तैयारी में है। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरा होने पर चौरी चौरा शहीद स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और शहीदों पर डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी तथा चौरी चौरा कांड का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जुड़ जाएगा। पेश है गोरखपुर न्यूज की एक रिपोर्ट। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे थानेदार मुक्तेश्वर सिंह सहित उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने 19 लोगों को पकड़कर फांसी दे दी थी और उनकी याद में यहाँ एक शहीद स्मारक आज खड़ा है। आपको बता दें कि इस विद्रोह में चौरी चौरा के 40 किलोमीटर के दायरे के 60 गांव के गरीब किसान शामिल हुए थे। इनकी संख्या 2 से 3 हजार के बीच थी। इस बगावत के नेता अब्दुल्ला चूड़ीहार, भगवान अहीर, विक्रम अहीर, नजर अली, रामस्वरूप बरई आदि थे। चौरी चौरा की बगावत के लिए 19 लोगों को फांसी दी गई थी। इन 19 लोगों में अब्दुल्ला, भगवान अहीर, विक्रम अहीर, दुदही, कालीचरण कहार, लवटू कहार, रघुवीर सुनार, रामस्वरूप बरई, रुदली केवट, संपत चमार आदि को फांसी दी गई थी। साथ ही 14 लोगों को आजीवन कारावास और 96 लोगों को अलग अलग तरीके से सजाएं दी गई थी। फिलहाल चौरी चौरा कांड इतिहास के पन्नों से काफी दूर रहा। वहीं अंग्रेजों से बगावत करने वाले बंधु सिंह को भी तरकुल्हा में फांसी दी गई। इस तरह से देखा जाए तो चौरी चौरा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका रखता है, लेकिन इतिहासकारों की नजर इस तरफ नहीं गई। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में यहाँ भव्य मेला लगाने की तैयारी कर ली है और चौरी चौरा की शहीदी धरती एक बार फिर वंदे मातरम से गूंज उठेगी और एक बार फिर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, नारा बुलंद हो उठेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा के पूर्व विधायक बेचन प्रसाद, वर्तमान विधायक संगीता यादव और SDM चौरी चौरा पवन कुमार ने कहा। भारतीयों का हल हेलो साहब, इधर चले गए भाई, कहीं का बुक ले रहे थे आप, निकल गए। हाँ है
मैं राकेश त्रिपाठी फांडीला एसोसिएट गोरखपुर। पेंटिंग किन किन लोगों को बनाई जा रही है? देखिए पेंटिंग हम 1957 के गदर से लेकर 1857 के गदर से लेकर के और 1947 इस बीच के जितने हमारे क्रांतिकारी रहे हैं मैं उन सारे लोगों की मैं थीम दे रहा हूँ। ये आपके सामने की जो दीवार है ये जो है कि टोटल दीवारें जो है कि मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग रहे हैं, लेकिन जो मेन दीवार हम दे रहे हैं वो चौरी चौरा में 19 लोगों की जो फांसी हुई थी उनको मैं दे रहा हूँ, उनको समर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें और भी जो दीवारें हैं मैं अपने शहीदों को समर्पित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मुख्य तौर से माननीय पांडियन साहब जिलाधिकारी महोदय का बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके अथक प्रयास से अब तक जो है कि इतना बड़े मतलब सेटअप पर काम किया जा रहा है गोरखपुर में, और 4 सालों में जो पेंटिंग का एक जो माहौल बने ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश गया और एक तरह से कह लिए कि गोरखपुर से ही जो है कि अन्य जिलों के जिलाधिकारी ने इसे सीख करके ये पेंटिंग का काम शुरू कराया था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ और देश की आज़ादी में चोरी चोरा कांड का बहुत ज़बरदस्त असर रहा, यहाँ तक जो महात्मा गांधी जी को चोरी चोरा आना पड़ा और असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। चोरी चोरा कांड के नाते जो है जितनी भी सरकारें आईं जो अब हो रहा है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और अपने केंद्र सरकार के मुखिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि चोरी चोरा की धरती क्रांतिकारियों की भूमि है और भारत के इतिहास में जब जो हम चोरी चोरा का इतिहास पढ़ते हैं और आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस शताब्दी वर्ष में पहले भी जब मैं 2 बार विधायक रहा तो चोरी चोरा कांड के आश्रितों के पेंशन के लिए राज्य पेंशन के लिए केंद्रीय पेंशन के लिए प्रयास करता रहा और बहुत से लोग जो है पेंशन का लाभ पाते रहे। और इधर जो है माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो शताब्दी वर्ष मनाने का कार्यक्रम साल भर के लिए कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर कर रहे हैं, इससे जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का हौसला बढ़ेगा और यहाँ तक जो है
माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चोरी चोरा कांड के आश्रितों के लिए, प्रायः उसमें गरीब वर्ग के ही लोग हैं जो निराश्रित टाइप हैं, उनको राज्य पेंशन, केंद्रीय पेंशन के लिए महाराज जी ने आश्वासन दिया है, और जिनके पास प्रधानमंत्री आवास नहीं है, आवासहीन हैं, उनको जो है आवास देने के लिए, अर्थात सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आश्रितों के परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए महाराज जी का जो है पूर्ण रूप से योगदान है। उन्होंने कल भी जो बैठक में इस तरह का आश्वासन दिया, और 4 फरवरी को उनकी जो है उद्घोषणा भी होगी। तो हम तो जो है चोरी चोरा की धरती की तरफ से और वहाँ के लोगों की तरफ से पूज्य आदित्यनाथ महाराज जी को पूर्ण रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि यह महान कार्य चोरी चोरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए जो उनका प्रयास चल रहा है, ये पूरे यूपी में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में संदेश जाएगा कि चोरी चोरा की कोई धरती है जो भारत की गुलामी के दौरान वहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी में पूर्ण रूप से योगदान दिया था। यहाँ तक उस जो है संघर्ष में 414 लोगों को सजाए हुई थी, जिसमें जो है 19 लोगों को फांसी हुई थी, 114 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, शेष लोगों को 5 साल 10 साल की सजा हुई थी। और यह कार्यक्रम जितना भी उसकी प्रशंसा की जाए कम ही है। और क्या कार्यक्रम? और कार्यक्रम है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा चोरी चोरा के महान क्रांतिकारी, एक जो है मध्यम वर्गीय सामंत परिवार के, राज परिवार के कोरबंधु सिंह, जिनकी उम्र 21 साल की थी जब 1857 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें झांसी की रानी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हुई थी, तात्या टोपे महान सेनानी थे, शहीद हुए थे। उसी तरह से हमारे क्षेत्र के डुमरी खास के राज परिवार के कोरबंधु सिंह, जिनकी उम्र 21 साल थी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए, उनको जो है बलि चढ़ाए मातृ दुर्गा माँ की वेदी पर, जिसमें जो है कुछ गद्दारों के द्वारा उनको साजिशन गिरफ्तार कराया गया, फिर इसी गोरखपुर के घंटाघर में उनकी फांसी हुई। महाराज जी जब से गोरखपुर के सांसद हुए तब से जो है कोरबंधु सिंह के इतिहास के बारे में जानने का पूरा प्रयास किए, और उनका स्टैचू लगाने के लिए फ़ोटो उपलब्ध हुआ कलकत्ता म्यूजियम से, और वहाँ से मंगवाने के बाद उनका फ़ोटो जो है जगह जगह बनाया गया, और वही जो है स्टैचू उक्त तिथि को 4 फरवरी को महाराज जी के द्वारा वहाँ पर अनावरण होगा। यह भी एक महान काम है, क्योंकि जो है हम लोग चोरी चोरा के लोग कोरबंधु सिंह जी के नाते और चोरी चोरा के 4 फरवरी के क्रांतिकारियों के नाते पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं कि कोई चोरी चोरा भी गोरखपुर में स्थान है जहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया, और महाराज जी द्वारा यह कार्य उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, इससे हम लोगों के क्षेत्र का हौसला, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ेगा। देखिए, चोरी चोरा के जब भी हम कोई जीएससी पढ़ते हैं तो चोरी चोरा अब तक इतिहास के पन्नों में ही दबा हुआ था, जबकि इसका क्रांतिकारी धरती है, इसने असहयोग आंदोलन को पूरा मोड़ने का काम किया था, उसको आज तक वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो अब उसको मिलने जा रही है। इसके लिए मैं अपने सम्मानित जनता की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं विधायक नहीं थी, वहाँ मैं जाती थी तो मेरी तो आँखें भर जाती थी, इतनी गंदगी वहाँ रहती थी, जुए का अड्डा रहता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसको 2 करोड़ रुपये भी पास किया था। अभी उन्होंने इस शताब्दी वर्ष को साल भर मनाने की प्रक्रिया अपनाई है, और केवल गोरखपुर जिले में ही नहीं, यूपी के सभी जनपदों में मनाया जाएगा, और जितने भी क्रांतिकारी हमारे अपने गोरखपुर के और भी शहीद हुए हैं उनके भी गौरव गाथा को वहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है। ये गौरी मतलब ये बहुत बड़ा उपलब्धि चोरचरा के होने जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब गोरखपुर का नाम आएगा तो लोग पहले चोरचरा जानेंगे, गोरखपुर का नाम हो सकता पीछे हो। वो शहीद जो हुए थे वहाँ पे क्रांतिकारी जो उनके परिवार भी हैं, और परिवार वालों के लिए क्या कार्यक्रम? देखिए, उनके परिवार में कुछ लोग महिलाएं आ गए थे, उनकी कुछ पेंशन कट गई थी, तो मैंने कई बार लेटर लिखा था लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं आया था, और मैंने इसके लिए लखनऊ भी प्रयास किया था लेकिन वो कोई सकारात्मक उसे परिणाम नहीं था। लेकिन उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में कहा कि उन परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा, उनके जो आश्रित हैं उनको सरकारी योजनाओं का सभी लाभ भी दिया जाएगा, अब सभी लाभ में पेंशन भी सम्मिलित कर दिया जाएगा।
पेंशन मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो रेलवे भूमि है उसको विस्तार की बात है, स्टेशन विस्तार बात है, पार्किंग बनने की है, क्या सब है? हाँ बिल्कुल, 600 मीटर तक रेलवे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल में रेलवे मिनिस्टर से बात भी किया है। वो ज़मीन हमेशा के लिए तो नहीं, जब भी रेलवे को ज़रूरत होगी वो ज़मीन प्रशासन वापस कर देगा, लेकिन जब तक वो हमारे पास में है वो शहीद स्मारक के लिए प्रयोग में की जाएगी और उसका सौंदर्यीकरण भी कार्य भी शुरू हो गया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 4 फरवरी 1922 को जो शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के साथ में शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई के प्रबंध के लिए विशेष हिदायत दी है, साथ ही साथ जो रेलवे की जमीन सामने खाली पड़ी है उसको शहीद एक पार्क के रूप में डेवलप करने की बात कही है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देखिए कार्यक्रम की अभी एक रूपरेखा तैयार करके, साल भर का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके अभी आप लोगों को प्रकाशित करा दी जाएगी। ये यहाँ कार्यक्रम निरंतर वर्ष भर चलते रहेंगे।